नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनसे आपके ढेर सारे समय और ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली है। वीडियो बड़ी ही यूजफुल है, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। जो हमारी आज की सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो आजकल गर्मी के दिनों में आ रही सब्जियों को लेकर है। गर्मी के दिनों में आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि हर फल सब्जी में केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर ऐसी कुछ सब्जियां होती हैं जिनको हम पील भी नहीं कर सकते हैं, हमें इन्हें ऐसे ही चॉप करके और इनकी सब्जी बनानी होती है। ऐसे टाइम पर हम क्या करें जिससे सब्जियों का केमिकल निकल जाए और हम हेल्दी रहें इनको खाने के बाद भी। तो ऐसे टाइम पर एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। जब भी मार्केट से आप ऐसी सब्जियों को लेकर आते हैं तो इनको सबसे पहले आप एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद से आपको लेना है एक बर्तन में पानी, वही पानी लेंगे जिनसे हम अपनी सब्जियों को वॉश करते हैं। नॉर्मल जो पानी होता है टैप वाटर वही ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से बर्तन में पानी लेकर रखा हुआ है। अब इसके बाद से इस पानी में हम डालेंगे एक चीज़ जिससे हमारी सब्जियों का केमिकल अच्छे से निकल जाता है, वो चीज़ है दोस्तों खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा जिसे कुछ लोग बोलते हैं। पानी में आपको डालना है थोड़ा सा सोडा, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर सोडा डाला है। सोडे को मिला लीजिए। अब इस पानी में आपको अपनी सारी सब्जियों को डिप करना है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस डेमो करके ही दिखा रही हूँ थोड़ी सब्जियों के साथ। अगर आपने ज़्यादा सब्जियाँ लेकर रखी हुई हैं तो आप किसी बड़े टब या परात में पानी डालकर अपनी सब्जियों को वॉश कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी सब्जियों को पानी में डाल देना है। इतना पानी रखिएगा जिसमें आपकी सारी सब्जियां डूब जाए। इसके बाद से पानी में डिप करने के बाद 1 से 2 मिनट आप उसको छोड़ सकते हैं, और 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद पानी से आप इन सब्जियों को निकाल लीजिएगा। बस उसके बाद से आप इन सब्जियों को नॉर्मल तरीके से वॉश करके इनकी सब्जी बना लीजिएगा। आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी केमिकल आपके शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपरी जो केमिकल है जिससे सब्जियों का कलर अच्छा दिखता है वो सारा केमिकल सोडे की वजह से पानी में निकल जाता है। ये टिप काम की होती है और हमारे परिवार के लिए हेल्दी भी होती है, मतलब एक बहुत ही हेल्दी टिप है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। चलिए देखते हैं आज की हमारी नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दूध को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं या फिर गलती से दूध बहुत ज़्यादा उबल जाता है। ऐसे टाइम पर क्या होता है, दूध एकदम गाढ़ा सा हो जाता है। अब हम क्या करें इस गाढ़े दूध का, हमें समझ नहीं आता है। तो इसके लिए आपके साथ एक अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। जब भी आप अपने दूध को ज़्यादा पका लेते हैं गलती की वजह से ही और आपको लगता है कि ये गाढ़ा दूध हमें पीने से नुकसान करेगा, तो ऐसे टाइम पर कर लें एक अच्छा सा उपाय। इसके लिए आपको नॉर्मल पीने का पानी थोड़ा गर्म कर लेना है, अच्छे से गर्म कर लीजिए, और पीने का पानी ही जो गर्म किया है वो आप इस दूध में मिक्स कर दीजिए। आपको जितना लगता है दूध गाढ़ा हुआ है उसी क्वांटिटी में आप पानी मिक्स कर लीजिए। उसके बाद से आप इस दूध का इस्तेमाल नॉर्मल दूध की तरह कर सकते हैं। ये टिप बड़ी ही काम की होती है, जरूर अपना कर देखिएगा। एक और टिप लेकर आई हूँ स्कूल के बॉटल को लेकर। हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में बॉटल गुम करके आ जाते हैं, मतलब बॉटल खो जाती है। क्योंकि अमूमन यही होता है कि एक क्लास में 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टिफ़िन या बॉटल सेम होता है। अब ऐसे टाइम पर बच्चे भी क्या करें, क्योंकि उनको सेम बॉटल होती है, और कई बार खेल खेल में बच्चे दूसरे की बॉटल उठा लाते हैं या फिर अपनी खुद की बॉटल पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे टाइम पर आप बॉटल के ऊपर एक अच्छा सा उपाय कर दीजिए कि आप कोई सी भी कलर का नेल पेंट ले लीजिए और बच्चे के नाम का जो भी लेटर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर मेरी बेटी के नाम का लेटर डी से होता है, तो मैंने यहाँ पर डी लेटर लिख दिया है, स्माइली के बीच में लिखा है, जिसे किसी को दिखेगा भी तो अजीब नहीं लगेगा। आप चाहें तो बॉर्डर के नीचे वाले हिस्से में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस इमोजी के बीच में लिखा है, यानी कि उसकी नाक भी बना दी है और नेल पेंट से हमारा काम भी हो गया है। इस तरीके से आप बच्ची को बता कर रखिए कि जब बॉटल घूमे वो पहचान नहीं पाए तो नेल पेंट से वो अपने नाम के लेटर को पहचान सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो हमारा कोई कुर्ता होता है, कोई साड़ी होता है, कोई भी फ्रॉक वगैरह जो हमने वियर की हुई होती है, उस पर तेल के छींटे, सब्जी के छींटे, खाने के छींटे, मतलब कुछ ना कुछ लगता ही रहता है और हमारी जो ड्रेस है वो खराब हो जाती है। ऐसे टाइम पर आपको करना है एक छोटे टॉवल का इस्तेमाल। एक टॉवल लेकर, अगर आपके पास एप्रन नहीं है तो आप ये टिप काम में ले सकते हैं। अगर आपके पास एप्रन है तो आप एप्रन पहन सकते हैं। एप्रन नहीं है तो इस तरह से छोटी टॉवल लेकर आप अपने जीन्स में या फिर कपड़ों में इस तरीके से फंसा लीजिए। अगर आपने कुर्ता पहना है तो आप टॉवल को अपने कमर के चारों तरफ बांध भी सकते हैं। कोई बेल्ट लेकर अपने कमर के चारों तरफ टॉवल को बांध लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा खराब होने से बच जाएगा। कई बार सब्जियों वगैरह के छींटे होते हैं, अनार छीलते हैं, चुकंदर वगैरह छीलते हैं, उनके छींटे पड़ जाते हैं, या फिर क्या होता है कि मसालों के छींटे पड़ जाते हैं। इस तरह से हमारी ड्रेस बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है बिंदी को लेकर। गर्मी के दिन में
हम जब भी बाहर जाते हैं और हम बिंदी लगाते हैं तो आपने देखा है पसीना इतना ज़्यादा होता है कि हम कितनी भी बढ़िया क्वालिटी की बिंदी यूज़ करें पर वो हमारे माथे पर टिकती ही नहीं है, क्योंकि माथे पर हुआ रहता है बहुत सारा पसीना। अब इस पसीने की वजह से जैसे ही माथे पर हमारा हाथ लगता है वैसे ही बिंदी निकल कर माथे से गिर जाती है, या फिर हमें पता ही नहीं चलता बिंदी कब गिर जाती है। ऐसे टाइम पर अब क्या करें? अगर हम सिंदूर वाली बिंदी लगाते हैं यानी कि कुमकुम वाली, तो वो तो माथे पर और फैलती है। इसके लिए बिंदी के पत्ते को लेकर आप रख दीजिए फ्रीजर में। जब भी आपको बिंदी लगानी है, मान लीजिए आप नहाने गए हैं, उससे पहले आप बिंदी के पत्ते को लाकर फ्रीजर में रखिए। फ्रीजर में रखिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपको इसे रखना है, ज़्यादा देर का टाइम नहीं लेना है। 2 से 3 मिनट रखने के बाद जब आपको बिंदी लगानी हो तो आप फ्रीजर से बिंदी का पत्ता निकालिए और इस बिंदी को फिर इस्तेमाल करिए। एक बार आप फ्रीजर में रख कर बिंदी के पत्ते का इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, बिंदी का जो गम होता है वो ठंडा हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम करता है। जब भी हमारे माथे पर पसीना कितना भी हो, अगर बिंदी ठंडी है, उसका गम जो है एकदम सॉलिड फॉर्म में है, तो बिंदी कभी भी छूट कर नीचे नहीं गिरेगी। अगर बिंदी इस तरह से है, एकदम गर्माहट लिए हुए है, गम इसका पिघला हुआ है, तो ये माथे से निकलेगी ही निकलेगी। अब आप देख रहे हैं कि फ्रीजर में रखने के बाद मैं बिंदी पर किस तरह से हाथ फेर रही हूँ, पर बिंदी बिल्कुल नहीं निकल रही है। इसका मतलब बिंदी हमारी बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से स्टिक हो चुकी है। एक और टिप बताती हूँ आज आप सभी के लिए। जब भी आप कभी कहीं से थक कर आते हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा हो, अगर आप बहुत ज़्यादा पैदल चल कर आए हैं या फिर आपने काफ़ी टाइम से शूज़ पहन रखा था और अब पैरों में उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो गर्मी में ये समस्या बहुत होती है। इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप थक कर आते हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। ये उपाय हम करेंगे रबड़ बैंड के साथ। जैसे मैंने भी यहाँ पर लिया है एक रबड़ बैंड, तो इस तरीके की एक रबड़ बैंड लेंगे यानी कि थोड़ी सी मोटी वाली, और रबड़ बैंड को अपने इस तरह से पैर के पंजों पर लगा लीजिए, स्पेशली अपने जो फिंगर्स है ना उनके आसपास आपको लगाना है। तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है एक एक रबड़ बैंड का दोनों पैरों में। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, और रबड़ बैंड लगाने के बाद जिनके पैरों में रबड़ बैंड लगा है उनसे बोलिए कि अपनी उंगलियों को वो इस तरह से एक बार खोलें एक बार बंद करें। मतलब इस एक तरह से छोटा सा योगा फॉर्म है, ये रबड़ लगाकर आपको ये काम करना है। 2 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे पैरों की जो थकान है वो पूरी तरीके से निकल चुकी है, उंगलियों को कितना ज़्यादा रिलीफ मिला है। क्या होता है कि शूज़ में बंद करते हुए जो उंगलियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और इस तरीके से रबड़ लगाकर जब हम इसका उपाय करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी उंगलियों को रिलीफ मिलता है और पैरों को भी दर्द से छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट टिप है धारी वाली, यानी कि जो धारी वाली नाइफ होती है उसकी धार को लेकर। कुछ नाइफ होती है ना जो हम लोग सैलेड काटने के लिए रखते हैं, जो कि थोड़ी सी आरी फॉर्म में होती है, एकदम चिकनी नहीं होती है, हल्के हल्के से इस पे निशान बने होते हैं। जब ऐसी किसी नाइफ की धार खत्म हो जाए तो आप ले लीजिए ग्रेटर, अपने घर का छोटा वाला ग्रेटर ले लीजिए, और ग्रेटर पर इस तरीके से पहले सिंपल फॉर्म में, मतलब सामने की तरफ से इस तरीके से रगड़ लीजिए। उसके बाद से आपको नाइफ को उलट कर या फिर ग्रेटर को उलट कर इसको इस पर चलाना है। एक बार आपको सीधे हाथ से चलाना है, दूसरी बार आपको उल्टे तरीके से चलाना है, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। लगातार रब करते ही करते 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो नाइफ की धार है वो बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो गई है, क्योंकि इसमें धारियाँ बनी होती हैं और ऐसी धारियाँ हमारे ग्रेटर में भी होती हैं, तो दोनों को मिलाकर जब हम रब करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी धार की फिनिशिंग आ जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।